ठीक है, तो देखिए, तो आज का टॉपिक हम लोग का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डेफिनेटली पार्टनरशिप वर्ड आप लोग के लिए नया नहीं है, किसी के लिए भी नया नहीं पार्टनरशिप वर्ड, चाहे वो 12 के हिसाब से बेसिक के बाद एग्जाम दे रहे, चाहे कोई ग्रेजुएशन करके एग्जाम दे रहे, ग्रेजुएशन के लेवल में एग्जाम दे रहे, किसी भी बच्चे के लिए पार्टनरशिप वर्ड जो है वो नया नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप का क्या मतलब है, वो आपको हम बताएंगे और यहाँ पर डिटेल में लेके करके जो लॉ है उसको पढ़ते जाएंगे, केस लॉ केस स्टडी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जो रेफरेंसेस को लेकर के पढ़ेंगे, और उसके बाद सबका एग्जाम मॉक टेस्ट एग्जाम होगा। हर चैप्टर के बाद आपका एग्जाम होगा, जो आपको एग्जाम देना है, समझ रहे ना, हर चैप्टर के बाद एग्जाम होगा, उसमें आपको हम राइटिंग पैटर्न सिखाएंगे। क्योंकि अगर ओरली हम आपको बताएंगे ना हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ लॉ, तो आपको वो उतना फील नहीं होगा। आपको हम हर क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन आपने लिखा उसका आंसर आपने लिखा, फिर आपको बताएंगे इसको और कैसे लिखेंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि तो देखिए, जो चीज सब्जेक्टिव होता है सीएमए वाले बच्चों के लिए लॉ जो है वो एमसीक्यू है, और जो हम लोग का सीए वाले बच्चे हैं उनके लिए लॉ जो है वो नॉन एमसीक्यू है। पढ़ने का स्टेप क्या, पहला स्टेप हम लोग अपना कॉपी में बना रहे, कॉपी में हम लोग क्या करेंगे, की नोट्स बनाएंगे, की नोट्स मतलब मेन पॉइंट्स, और उसके साथ साथ जो आपका स्टडी मैट है इंस्टीट्यूट का उसको आप रीडिंग करेंगे। जो टॉपिक हो गया जाके इंस्टीट्यूट का रीडिंग कर लीजिएगा। आपको हम हर टॉपिक का पीडीएफ ग्रुप में भेज देते हैं, उससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप कहते किसे हैं? तो पहले ही आपको यह बताएं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में, मतलब समझिए बहुत आजादी से पहले का कानून है। तो आजादी से पहले का कानून होने के कारण इस कानून में कुछ खूबी भी है, कुछ खराबी भी है। ये कानून 1932 में आया था, पहला क्वेश्चन यही हो गया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया था बताइए, 1932। अब सोचिए जो लोग 12 लेवल में, उन लोगों के लिए तो पार्टनरशिप भर भर के करता है, खाली पार्टनरशिप खाली पार्टनरशिप। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इन द ईयर 1932। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए पॉइंट नंबर वन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट came into force on 1932। 1932 वो साल था जब ये कानून आया। अभी क्या है, अब आप लोग के लेवल में, सीए के लेवल में ये ईयर वीयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ये बीकॉम के लेवल में इंपॉर्टेंट होता है। सीए के लेवल में जब आप पढ़ते हो तो आपको डीप डिटेल इसका नॉलेज रहना चाहिए। आप अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, जब हम लोग कहते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस का खूबी क्या है। तो देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस को सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। आपसे पूछेगा अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड, पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में दिया गया है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन किस में दिया गया बाबू, बोलिए ना, कम ऑन, यस, सेक्शन 4 में दिया गया। सेक्शन 4 क्या कहता है, पार्टनरशिप होता क्या है। तो अगर आपको बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो पार्टनरशिप इज द बिजनेस विच इज स्टार्टेड बाय मिनिमम 2 पर्सन। पार्टनरशिप इज द बिजनेस विच इज स्टार्टेड बाय मिनिमम 2 पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग द कॉमन प्रॉफिट। कम से कम 2 लोग मिला करके जब प्रॉफिट को शेयर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पार्टनरशिप बिजनेस। जब 2 लोग मिलकर के कम से कम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, पार्टनरशिप। एक एक बच्चा लोग पूछता है भैया पार्टनरशिप में मिनिमम आदमी कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, 2, मिनिमम कितना बोलिए। सो व्हेन यू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस हाउ मेनी पार्टीज यू नीड एट मिनिमम बताइए, 2। कम से कम कितना आदमी चाहिए, बोलिए, कम ऑन, यस, कम से कम आपको 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सवाल आता है ज्यादा ज्यादा कितना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपका पार्टनरशिप का नेचर के ऊपर। अगर आप एक जनरल पार्टनरशिप चला रहे हो, जनरल पार्टनरशिप मतलब नॉर्मल बिजनेस चला रहे हो, तो उसमें चाहिए 20 आदमी। कितना आदमी बाबू, बोलिए ना, 20। और अगर आपका बैंक है, बैंक क्या है बाबू, बैंक, तो कितना आदमी चाहिए बताइए, 10। तो बैंक होने से 10, जनरल पार्टनरशिप होने से 20, और मिनिमम कितना बाबू, 2। और इसके बाद वाला फैक्ट ये है कि कंपनी, आप देखिए ये यहां तक वाला बात जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप सुने होंगे 12 में भी यार, कॉलेज में भी सुने होंगे। अब जो बताने जा रहे हो वो यूनिक है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना गया है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस को एओपी माना गया है। एओपी का मतलब होता है बच्चों एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 464, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 considers the partnership business as association of person। और वो कहता है कि according to companies act
50, कितना बाबू 50 कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम मेंबर कितना होगा, तो 50। अब देखिए यहां पर ये चीज हम लोग को नया चीज सीखने को मिला, समझे? क्योंकि यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो हम पूछ रहे बताइए मिनिमम पार्टनर कितना, कोई भी बिजनेस, कोई भी पार्टनरशिप मिनिमम कितना, मिनिमम दो। तो अच्छा सर एक आदमी में पार्टनरशिप नहीं हो सकता क्या? एक आदमी में सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप नहीं। सिंगल पर्सन स्टार्टअप बिजनेस, वो कौन सा बिजनेस होगा बताइए? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या वो पार्टनरशिप होगा? क्या वो पार्टनरशिप होगा? तो सिंगल मैन में जो करेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। कम से कम कितना आदमी चाहिए बाबू? दो। अगर बैंक है तो 10, बैंक नहीं है तो 20, और अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से 25, नहीं बाबा 50 जनाब, 50 कितना बाबू? 50 कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना बोलो? 50। बोलो ना, 50 कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50। 50 लोग चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी एक्ट के हिसाब से इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना गया। तो अगर आपसे पूछता है, जैसे एसएक्यू में पूछ दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस एज पर कंपनी सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आंसर क्या होगा आपको? 50 लिखिए। पॉइंट नंबर, अब पॉइंट नंबर टू लिखिए, नोट्स पॉइंट वाइज बनाइएगा। पॉइंट नंबर टू लिखिए, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पॉइंट नंबर टू लिखिए, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पॉइंट नंबर टू लिखिए, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए पॉइंट नंबर टू लिखिए, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो लिखिए पॉइंट नंबर वन, लिखिए पॉइंट नंबर वन, लिखिए द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस करके बाबू, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस इज 2, बट ट्वेंटी इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेस, एंड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, एंड 50 एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बस क्लियर है गाइस? अब हो गए जितना की पॉइंट था सारा लिख दिया। अब आप कोई भी बुक से पढ़िए, सीए का बुक से पढ़िए, सीएमए का बुक से पढ़िए, बीकॉम का बुक से पढ़िए, इसके बाहर पॉइंट नहीं होगा, सारा फैक्ट आपको डिस्कस कर दिए गए, बात समझे ना? दूसरा बात यह है कि जो हमने आपको बताया पार्टनरशिप का डेफिनेशन कितना नंबर सेक्शन में दिया गया बताइए? सेक्शन 4 में दिया गया। अभी सेक्शन 4 वाला जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स कैरीड ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो वो सेक्शन 4 का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, बुकिश डेफिनेशन है। सेक्शन 4 का डेफिनेशन में लिखा गया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, कितना आदमी के बीच में? दो आदमी के बीच में। और दो आदमी के बीच में रिलेशन क्यों बनता है? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए बच्चों? बोलो ना। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी पर्संस? टू पर्संस, मिनिमम टू पर्संस फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम दो लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। या तो हम काम करें, चाहे तो आप काम करें, या तो आकाश काम करे, पंकज काम करे, मतलब नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिनिमम हाउ मेनी पर्संस गाइस? टू पर्संस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। पार्टनरशिप का डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन सेक्शन 4 में दिया गया। हाँ अभी पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे डिटेल में, उस बात को बताएंगे। शेयरिंग प्रॉफिट मतलब खाली प्रॉफिट नहीं, लॉस भी हो सकता है। तो शेयरिंग प्रॉफिट डज नॉट मीन ओनली प्रॉफिट, इट मे बी लॉस ऑल्सो, वो अभी बताएंगे। शेयरिंग प्रॉफिट शब्द यूज किया गया उसमें,
बस समझे, क्योंकि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड लेकर स्टार्ट करेगा कि हमको प्रॉफिट कमाना है। आप कभी जब एक बार बताइए, जब भी एक आदमी बिजनेस को सेज हम लोग अभी एग्जाम देंगे तो हम लोग ये बैठ करके एग्जाम देंगे तो अच्छा स्कोर करना है। कोई फेल होने के लिए एग्जाम थोड़ी देता है, बताइए कोई भी आदमी धरती पर बताइए जो फेल होने के लिए एग्जाम, फेल होने के लिए कोई एग्जाम नहीं देता है, ये शब्द बोलना गलत होगा। तो एवरीबॉडी व्हेन अपीयर दे फाइंड कि हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, पास होना है अच्छा मार्क्स से, आप भी वही सोचोगे। तो प्रॉफिट शब्द को पॉजिटिव वर्ड को यूज किया गया, बट अगर लॉस होगा तो लॉस भी शेयर करेंगे, समझे ना। तो अच्छा, पार्टनर्स को कलेक्टिवली बोलते हैं फर्म, इसीलिए आप देखते हो अकाउंट जितना बनाते हैं हर अकाउंट में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म। जब भी पार्टनरशिप बनाते हैं इन द बुक सब क्या लिखते हैं, फर्म, यस और नो। और फर्म नेम मतलब जिस नाम से बिजनेस चला रहे, जिस नाम से बिजनेस चला रहे उसको बोलते हैं फर्म नेम। क्या बोलते हैं बाबू? फर्म नेम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए राहुल एंड कंपनी सीओ डॉट, तो ये हो गया पार्टनरशिप फर्म। तो एक एक आदमी को क्या बोलते हैं, पार्टनर। और जब वो लोग ग्रुप में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्म। क्या बोलते हैं बाबू? तो पार्टनरशिप बिजनेस को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं फर्म। तो जैसे हम, आकाश और गोलू तीन आदमी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, आई एम अ पार्टनर, गोलू इज द पार्टनर, आकाश इज द पार्टनर, और हम लोग तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलिएगा, फर्म। क्या बोलिएगा? बोलिए ना। और हम लोग जिस नाम से बिजनेस चला रहे हैं उसको बोलिएगा फर्म नेम। क्या बोलिएगा? क्लियर हो रहा ना? एक एक शब्द आपको पढ़ा रहे, ध्यान से खाली सुनते जाइए। चलिए लिखिए पॉइंट नंबर कितना बाबू, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 4, पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 4। पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 4। चलिए लिखिए कितना नंबर पॉइंट बाबू, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। 3 में क्या लिखिए बताइए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पार्टनर्स आर इंडिविजुअली termed as partner, but collectively termed as firm. कलेक्टिवली टर्म्ड एज क्या बाबू? फर्म। इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? पार्टनर। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बाबू? फर्म। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 5 में आइए। चलिए यहां तक का सारा बात डिस्कस कर लिए, अब डिस्कशन करते फिर लिखते जाएंगे, डिस्कशन करके लिखते जाएंगे बस। ये क्यों? जिससे आप आपके रिविजन में सुविधा हो, शॉर्ट में देख लिए एग्जाम से पहला रात क्या पढ़ के जाएंगे, तो कॉपी पढ़ के जाएंगे बस, शॉर्ट में रिविजन हो जाएगा। अब देखिए पार्टनरशिप जो है ना, एक बड़ा अच्छा बात बताते हैं आपको कि रिश्ता का एक खराबी है, दोस्ती हो चाहे मोहब्बत हो, हर चीज कभी ना कभी टूटना जरूरी है, और ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप ऑल्सो। तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है? क्योंकि देखो जब पार्टनरशिप बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ना तब तो बड़ा अच्छा रहता है, और ये देखो पार्टनरशिप बिजनेस हो, दोस्ती हो, मोहब्बत हो, कोई भी चीज हो, इसका खराबी है स्टार्ट बड़ा अच्छा होता है, एंड जाते जाते डाउनवर्ड स्लोपिंग में जाता है, एंड जाते जाते टूटने लग जाता है। रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये तो हिंदी मूवीज में आप एक लाइन सुने होंगे ना, हर आदमी एक लड़की का पिताजी लड़का का पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आइए दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। सीरियल्स में भी ये सीन आता है, दो दोस्त रहता है, बोलता है चलिए दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, आपको हम सिखाते हैं। दोस्ती कितना भी अच्छा क्यों ना हो, रिश्तेदारी में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप का एक खराबी है। क्या खराबी है? पार्टनरशिप में जब स्टार्ट करते हो आप तब तो बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ, धीरे धीरे वक्त के साथ आपका रिश्ता में खटास आने लगता है। खटास क्यों आने लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप एक इशू हो जाता है, इसको ज्यादा पैसा दे रहे, इसको कम पैसा दे रहे, तो फ्यूचर में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। इसीलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना चाहिए। अब देखिए एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन लैंग्वेज, को सुनिए एक वर्ड आपके लिए, जब आप सीए सीएमए लेवल में एग्जाम दे रहे हो तो आपको बीकॉम एग्जाम नहीं दे रहे हो क्या, आपको सुनना है यहां पर एक एक वर्ड, आपको कुछ भी लाइन से क्वेश्चन दे देते, एक एक वर्ड से क्वेश्चन दे देता है लोग, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना देते हैं, एक्सपर्ट लोग बैठे यहां पे। तो बाबू तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी रिटन, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन आप सोच के बताइए कोई आदमी ओरल एग्रीमेंट करेगा क्यों?
एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन इंसान का बोली का कोई दाम नहीं है। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ये सब बोलने का बात है। जो वादा करता है वही सबसे ज्यादा वादा तोड़ता है। बिग बिग प्रोमिसेस यू मेक इन द लाइफ बट यू डू नॉट परफॉर्म ऑल द प्रोमिसेस। बहुत वादा करते हैं सुबह से शाम तक। आजकल का जो निब्बा निब्बीज लोग है वो लोग क्या है, सुबह से लेकर रात तक हजारों वादा कर देता है। बाबू आपने खाना खाइएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, आपने सोइएगा तो हम नहीं सोएंगे, बस नहीं आपने उठिएगा तो हम नहीं उठेंगे, लेकिन बेटा सुबह खाना खा रहा खूब खा रहा, बस नहीं खाना सामने लेके रखा हो, खाली बड़ा बड़ा बोली कि देखिए आपने खा रहे इसलिए हम भी नहीं खा रहे। तो ये सब फिल्मी दुनिया में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं। इसीलिए रियल लाइफ में एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, बट बेटर टू मेक द रिटन एग्रीमेंट, एंड दैट रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। उस रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बाबू, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड रिटन होगा जरूरी नहीं है, बट आप हमको बताइए ओरल एग्रीमेंट क्यों बनाएंगे, ओरल एग्रीमेंट क्यों बनाएंगे, एग्रीमेंट क्यों बना रहे? एग्रीमेंट इसलिए बना रहे ना कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में दिक्कत ना हो, फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, फ्यूचर में कोई सवाल ना उठाए, वही इसीलिए ना बना रहे आप। और फिर आप अचानक आकर के कहते हो कि पार्टनरशिप डीड ओरल कर लीजिए। ओरल बातों पे किसका भरोसा किया जाएगा बताइए, किसी का बोली का दाम है बताइए? आप हो हम हो कोई भी आदमी हो, किसी के शब्दों का कोई मोल नहीं होता। इसीलिए बात पे भरोसा मत करिएगा, बोले लिख के दो, क्या करके दो, लिख के दो, कुछ भी हो लिख के दो, क्या करके दो बाबू, लिख के। तो अगर आपसे भी पूछेगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया वो आपको बता रहे हैं। व्हाई एग्रीमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस, बिकॉज एवरी पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं होगा देर विल बी कंफ्यूजन, देर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग, देर विल बी लॉट्स ऑफ क्योर्स, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे, आप कुछ और समझ लोगे, हम कुछ और समझ लेंगे। क्योंकि तीन पार्टनरशिप बिजनेस जब आप कहते हो तो वो तीन लोगों का पार्टनर, जैसे तीन लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे, वो तीन लोग मिलकर नहीं चला रहे, वो तीन अलग विचारधारा है, तीन अलग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तीन अलग सोच है। अगर आप लोग दो दोस्त हो, दो दोस्त नहीं हो, दो अलग परिवार के लोग हो, दो अलग विचारधारा है, दो अलग सोच है आपका, तो जितना जितना लोग होंगे उतना उतना उनका सोच होगा और उसके हिसाब से पार्टनरशिप होगा। इसीलिए पार्टनरशिप के फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसीलिए एग्रीमेंट बनाया जाता है और उस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब इससे की पॉइंट क्या क्या लिखिए, लिखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन हो गया बट द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग the partner in the partnership business, in the partnership business is known as partnership deed. हो गया बाबू, चलिए। तो देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछेगा कि कैन द एग्रीमेंट बी ओरल, यस इट कैन बी ओरल, बट प्रिफर्ड कौन सा होता है बताइए, रिटन, क्योंकि ओरल में एक रिस्क रहता है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर दो, कितना पॉइंट हो गया बताइए, छह पॉइंट हो गया, सिक्स पॉइंट होगा, ओके पॉइंट नंबर सिक्स लिखिए। देखिए सिक्स पे क्या समझते हैं, पहले पार्टनरशिप बिजनेस मतलब बिजनेस ही होना चाहिए, पार्टनरशिप बिजनेस मतलब बिजनेस ही होना चाहिए। इफ यू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस और उसमें आप बिजनेस ना, जैसे एग्जांपल दे रहे, दो पार्टी का जो रिलेशनशिप है वो क्या चीज करने का होना चाहिए, तो बिजनेस है, आप लोग दो दोस्त मिलकर के ग्रुप स्टडी करने बैठ गए, क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस हो गया? आप लोग दो लोग तो हो ना, क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस हो गया? नहीं।
अगर आप लोग चार दोस्त मिलकर के पैसा छीनताई कर रहे हो, जो आदमी रास्ता से आ रहा जा रहा सबको पकड़ पकड़ के मार रहे, घुसा घुसा मार रहे, पैसा छीन ले रहे, क्या ही पार्टनरशिप बिजनेस हो गया? नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी ओनली टू डू द लॉफुल बिजनेस। लैंग्वेज सुनी, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी टू डू ओनली द लॉफुल बिजनेस। इफ यू आर डूइंग सम इलीगल एक्टिविटीज इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस वही होता है जब दो लोग मिलकर के कुछ लॉफुल बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस बच्चों? बोलिए, कम ऑन, लॉफुल करते, लिखिए। प्रोफेशन नहीं हो सकता पार्टनर, क्या नहीं हो सकता? बिजनेस एंड प्रोफेशन लीगल चीज होना चाहिए। लिखिए इन द, देखिए द पार्टनरशिप बिजनेस must be lawful and legal partnership business may be must be lawful and क्या बाबू? legal। पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए बाबू? लीगल होना चाहिए, एकदम लीगल, कानून की नजरों में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कानून की नजरों में सही होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे जो कानून की नजरों में गलत है, जो सरकार की नजरों में गलत है, जो सरकार को लगता है कि गलत है, आप वो काम नहीं करेंगे। अगर सरकार ने मना किया है किसी चीज को करने के लिए तो वो चीज आप नहीं करेंगे। कितना पॉइंट हो गया बाबू? बताइए, छह पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर सेवन में आइए, क्लियरली समझ रहे पॉइंट जा रहा है धीरे धीरे। पॉइंट नंबर सेवन लिखिए, देखिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? जो पंकज बोला भी कि भैया क्या होगा, तो बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस में शेयरिंग होना जरूरी है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जब आप करते हो तो उसमें शेयरिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो जैसे मान लीजिए हम और आकाश मिलकर एक दुकान चला रहे, लेकिन हम दोनों पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन उस दुकान का सारा प्रॉफिट हम ही ले रहे, आकाश को कुछ नहीं दे रहे, तो ये पार्टनरशिप नहीं हुआ। पार्टनरशिप वही होगा जब दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। पार्टनरशिप का एक वन ऑफ द मोस्ट 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 एसेंशियल एलिमेंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। सो विदाउट शेयरिंग देयर इज नो पार्टनरशिप बिजनेस। लिखिए, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट, किताबों में प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया, लॉ की किताब में प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया, डज नॉट मीन नॉट शेयरिंग द लॉस। अगर एक बात बताइए, अगर मिठाई आप खाओगे तो जहर भी तो आपको खाना पड़ेगा। मिठाई खाने टाइम में आप आ जा रहे और जहर पीने टाइम में बोलेंगे ना बाबा, ये सब नहीं होगा। मिठाई अगर आप खा रहे हो, जहर भी आपको पीना पड़ेगा। अगर माता, जैसे घर में होता है ना, अगर मम्मी 100 रुपया देती है आपको है, तो डांट भी तो आपको ही सुनना पड़ेगा। बस लॉजिक सिंपल है। तो मिठाई अगर आप खाएंगे तो जहर भी कौन पिएगा? आप। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस, शेयरिंग होगा। शेयरिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग होगा तभी पार्टनरशिप होगा। नो शेयरिंग नो पार्टनरशिप। समझे कि नहीं? बोली, लिखिए लिखिए, देयर मस्ट बी द एग्रीमेंट टू शेयर There must be the agreement to share profit in any form. Any form? Nahi, form. 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 F-O-R-M. Form. चलिए, नेक्स्ट में चलिए, अगला में क्या बाबू बताइए? ये वाला पार्ट भी हो गया। देखिए कितना पॉइंट हो गया बताइए? सेवन। बाबा, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड अगला बात क्या बोला गया? पार्टनरशिप से रिलेटेड अगला बात ये बोला गया कि म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी होता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है?
म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एवरी वन पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर. जब आप किसी का हाथ थामते हो, जब आप किसी को कहते हो कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसके गलतियों के लिए आप जिम्मेदार हो और आपकी गलतियों के लिए वो जिम्मेदार है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी. यही पार्टनरशिप का बहुत बड़ा खराबी भी है. क्यों? क्योंकि गलती अगर मान ली चार पार्टनर है और एक पार्टनर गलत करा तो सजा हमको क्यों मिलेगा भाई? तो पार्टनरशिप का यही एक बहुत बड़ा खराबी है कि गलती करता है कोई और सजा मिलता है किसी और को. तो पार्टनरशिप इन्हें से म्यूचुअल एजेंसी होता है. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एवरी सिंगल पार्टनर इज लाइबल टू द अदर पार्टनर फॉर द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर. हर एक पार्टनर दूसरा पार्टनर की गलतियों के लिए जिम्मेदार है. गलती करो आप, सजा मिले हमको. अगर आकाश और हम एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं और आकाश ने कुछ गलती किया है तो सजा हमको मिलेगा, गलती हम करेंगे सजा आकाश को मिलेगा. ये खराबी है कि वाई शुड आई बी लाइबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ हिम? उसके गलतियों के लिए हम जिम्मेदार क्यों हो? और इसीलिए इंडिया में एक नया लॉ आया, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लॉ. काहे? पार्टनरशिप में बहुत खराबी था, तो पार्टनरशिप के खराबी को दूर करने के लिए इंडिया में एक नया लॉ आया. उस लॉ का नाम था LLP. क्या नाम था वो? LLP का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. यस और नो? चलिए लिखिए. द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन by all partner. Business must be carried on by all partner. Business must be carried on by all partner or only one partner on behalf of all जैसे आप लोग सब मिलके कर रहे हो ये भी ठीक है, आप लोग सब मिलके कर रहे हो ये भी ठीक है, या फिर सब मिलके नहीं कर रहे, मेरे बदले आप में आप कर रहे, आपके भी आप में हम कर रहे, तो सब मिलके कर रहे. जैसे आप लोग चारों आदमी मिलके बिजनेस चला रहे, अच्छा बात है, चारों मिलके नहीं चला रहे, हम चला रहे, आप लोग सबको बेनिफिट उसका मिल रहा, ये भी ठीक है. तो कौन काम कर रहा नहीं कर रहा मैटर नहीं है. एवरी सिंगल पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ अनदर पार्टनर एंड इन द पार्टनरशिप बिजनेस एवरी वन पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर. तो हम आपके एजेंट हुए, तो जो एजेंट होता है उसको एजेंट बोलते हैं और जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल. तो इस पार्टनरशिप बिजनेस में एवरी वन पार्टनर मतलब संजीत अगर हम पार्टनर है तो मेरा प्रिंसिपल संजीत है, संजीत का प्रिंसिपल हमें, मेरा एजेंट संजीत है, संजीत का एजेंट हमें. पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का क्या होता है बाबू? एजेंट. उसी में लिखिए, अंडर द पार्टनरशिप इच पार्टनर इज कंसीडर्ड एज the agent of another partner. बात कहने चल जाए बड़ा देखिए. हो गया वो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया ना. तो इससे पूरा आपको पार्टनरशिप का आइडिया आ गया था, पार्टनरशिप का पूरा कहानी. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ही दूसरा नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड. ये सब पूरा बात आपको यहां पे लिखा दी, पार्टनरशिप का पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया. अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है वो जानने में आपको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अब आप लोग अगला पॉइंट, अगला कितना पॉइंट हो गया बताइए? 8, 9 नंबर पॉइंट दीजिए. ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बगल में लिख दीजिए, सेक्शन 6,
सेक्शन 6। जैसे मान लीजिए कोई भी आकर के आपको कहता है कि हम पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे, आप कैसे मान लोगे? आपको अगर टेस्ट करना हो कि कौन सा बिजनेस पार्टनरशिप है, कौन सा बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, तो वो कौन कौन सा चीज है जो आप टेस्ट करोगे? जैसे कोरोना का टेस्ट होता है, ना, तो उसका क्या होता है आप लोगों को पता है कोरोना टेस्ट कैसे होता है? बताइए, किसी को पता है, कोई देखा है कोरोना का टेस्ट कैसे होता है? ना बाबा, स्कैनिंग मशीन इतना इज्जत से नहीं होता है कोरोना। हाँ, पूरा नाक के अंदर में इतना पतला पाइप जैसा रहता है, डाल देता है। इसीलिए डोज वैक्सीन लेना जरूरी है, 2 गज का दूरी, मास्क पहनो और वैक्सीन लो, बस खत्म। ये 3 चीज ले लीजिए, सेफ रहिए। तो जो कोरोना का जब टेस्ट होता है तो टेस्ट करके देखते हैं ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक उसी तरह से जैसे ब्लड टेस्ट होता है, कोरोना टेस्ट होता है, वैसे पार्टनरशिप का टेस्ट होगा। कैसे समझेंगे कि पार्टनरशिप है या नहीं है? तो इसमें मेनली 3 चीज होता है भाई, 3 चीज बोलना गलत होगा, 2 चीज मेनली, 2 ही बात है। एक तो है म्यूचुअल एजेंसी और एक तो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर ये 2 चीज है तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। क्या क्या बोलिए? म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हाउ विल यू अंडरस्टैंड whether the partnership is existing or not? So if you want to understand whether the partnership business is existing or not, you will test how many things guys? 2 things. तो आपसे बोलेगा which factors are important for testing partnership? Partnership को test करने के लिए कौन कौन सा चीज important है? तो 2 चीज important है। कितना चीज important बोलिए? 2 चीज। एक है sharing of profit, mutual agency। अगर किसी business में sharing of profit हो रहा है और mutual agency है, मतलब वो partnership है। बात खत्म। आपको क्या करेगा, लोग स्टोरी दे देगा, एक तो एग्जाम में सीए वाले बच्चे लोग एक स्टोरी टाइप का दे देगा और आपको बोलेगा बताइए पार्टनरशिप इज एग्जिस्टिंग नॉट। तो आप 2 चीज चेक करना। कितना चीज चेक करना? 2 चीज। एक चीज ये चेक करना कि प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब वो पार्टनरशिप है। और दूसरा ये देखना कि एक पार्टनर दूसरा पार्टनर की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबल है मतलब पार्टनरशिप है, और रिस्पॉन्सिबल नहीं है मतलब पार्टनरशिप नहीं। क्लियर गाइस? देखिए दोनों जन आ जाए, 2 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट में आइए, लिखिए 2 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप लिखे ना। तो हाउ टू डिटरमाइन द मोड ऑफ पार्टनरशिप, रुक जाइए, हाउ टू डिटरमाइन द मोड ऑफ पार्टनरशिप, इसके बारे में सेक्शन 6 में लिखा गया। तो लिखिए टू डिटरमाइन, लिखिए इसी के बारे में, इसके बारे में जो सेक्शन 6 लिखे उसके बारे में लिखिए। टू डिटरमाइन the existence of partnership, to determine the existence of partnership following things must be proved। point number 1, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और पॉइंट नंबर 2, म्यूचुअल एजेंसी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट में आइए, कितना हो गया बाबू? क्लियर क्या गाइस? कितना पॉइंट हो गया बताइए? 9 पॉइंट। पॉइंट नंबर 10 में आइए, लिखिए काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस कैसा कैसा होता है वो आपको पढ़ाएंगे। देखिए अगर टाइम के हिसाब से देखिए, यहां पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। तो अगर टाइम के हिसाब से बात करेंगे तो 2 तरह का पार्टनरशिप होता है। एक होता है पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप एट टाइम के हिसाब से 2 तरह का पार्टनरशिप होता है। एक तो होता है पार्टनरशिप एट विल और एक तो होता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। जैसे मान लीजिए हम और आकाश मिलके बात किए, एक दूसरे से बात किए कि हम लोग 3 महीना एक तो दुकान चलाएंगे बस। तो ये हो गया पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। और एक तो और मान लीजिए हम और आकाश मिलके तो दुकान स्टार्ट किए, हम लोग चलाते हैं ना,
जिस दिन मन करेगा बंद कर देंगे, ये हो गया पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप कितना तरह का बाबू? दो। टाइम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो दो तरह का पार्टनरशिप है, एक होता है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और एक होता है पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल एक ऐसा पार्टनरशिप है जहां पर पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी एंडेड एनी टाइम सिंपली बाय गिविंग द नोटिस। बस एक सिंपल नोटिस देकर के आप पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं। क्या है, हम लोग पहले ही बात कर लिए थे, जिस दिन मन होगा बंद कर देंगे। तो जो मन पे डिपेंड करता हो, हिंदी में एक तो लाइन सुना है ना, मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। तो मन से ही दुनिया चलता है, मन से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो आपका मन करे वही करिए जिंदगी में, मन करे जो करने के लिए वही करिए। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। अगर मन कहता है लड़ो तो लड़ो, मन कहता है छोड़ो तो छोड़ो, मन कहता है चलो तो चलो, तो मन जो करेगा वही करेगा, बस है। तो मन पढ़िए, सही बात है, मन पढ़िए। क्योंकि अगर मन नहीं कर रहा तो आदमी सीए नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई आदमी आपका मन नहीं कर रहा सीए करने का, फिर भी आप जबरदस्ती सीए कर लिए तो फिर फायदा नहीं। क्योंकि देखिए आपको मैंने कितना दिन पढ़ाया ना, जबरदस्ती प्यार मोहब्बत और पढ़ाई, तीन चीज जबरदस्ती नहीं होता। ये प्यार मोहब्बत पढ़ाई रिस्पेक्ट, ये सब जबरदस्ती नहीं दे सकते किसी को। क्या आप फोर्सफुली, इफ यू रिस्पेक्ट समवन यू रिस्पेक्ट समवन, दैट्स इट। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू रिस्पेक्ट। आपको हम जबरदस्ती बोलेंगे नहीं, मेरे चरणों में गिरिए, हमको प्रणाम करिए, नहीं होगा। इफ यू रिस्पेक्ट मी रिस्पेक्ट मी, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट डोंट रिस्पेक्ट, दैट्स इट। क्या चीज वो गीता महाभारत थोड़ी है ना, गीता महाभारत अलग चीज है, अब प्रैक्टिकल चीज अलग है बाबू। गीता महाभारत आध्यात्मिक चीजों में मत जाइए, बस ये प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग चीज है ना। मन नहीं कर रहा तो कैसे करेंगे आप बताइए? क्योंकि आप समझिए, अब हम लोग उतना स्पिरिचुअल आदमी कोई नहीं है। धर्म का भी किताब अगर आप पढ़ेंगे, धर्म में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कितना चीज हम लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करते हैं बताइए? रियली कोई चीज फॉलो करते हैं? जो रियलिटी है वो आपको बता रही है, रियलिटी यही है। अगर मान लीजिए आप हमको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको हम कितना भी बोलेंगे मेरा पाँव छूए आकर के, नहीं होगा आपसे। अगर आप हमको रिस्पेक्ट करते तो मन से रिस्पेक्ट करिए, बात खत्म। प्यार किसी से, अगर आप कोई आपसे प्यार नहीं करता है, आप उसको फोर्स करेंगे हमको प्यार करो, हमको प्यार करो, हमको प्यार करो, नहीं आपको छोटा बच्चा हमको प्यार करो, हमको प्यार करो, प्यार करो, यू लव मी डोंट लव मी, लव मी, दैट्स इट। प्यार करते नहीं करते नहीं करते, खत्म, खेला से टाटा बाय बाय। और एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने बच्चे सीए, देखो जैसे बीकॉम सब करता है, प्रेशर में आकर भी करता है, लेकिन सीए कॉस्टिंग ये कोई प्रेशर में नहीं करता। आप लोग में कोई आदमी प्रेशर में पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई किसी का माँ बाप नहीं बोलेगा तुम पढ़ो तभी तुमको मानेंगे। ये आप अपना घर में गए, डिसीजन लिए, मम्मी पापा को लेकर करना चाहिए। मम्मी पापा लेकर करना है, इसीलिए तो बोल रहे हैं, आपको याद आ गया। तो करना चाहिए, तो बोले करना है, करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको लगा कि हमारी जिंदगी इसमें अच्छा हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि भीड़ में जो जाता है वो कभी आगे नहीं जा सकता है, तो आगे वही होगा जो खाली में होगा। आप देखिए अपना कोचिंग में, देखें ना आप, आज हम लोग सीए का क्लास करते हैं तो इतना कम बच्चे में क्लास करते हैं। वही जब हम लोग उच्च माध्यमिक करते हैं, ग्रेजुएशन का क्लासेस कराते हैं, पूरा भर जाता है, गली में पूरा जाम लगा देते हैं। बात समझिए, तो प्रैक्टिकल भीड़ के सामने आपके, यही तो रिजल्ट है। आप लाइव एग्जांपल देखिए ना, ग्रेजुएशन का क्लास होता है, जगह नहीं रहता बैठने का हम लोग का। सीए का क्लास होता है, भीड़ खाली हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पढ़ाई होता है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो भीड़ है, समझिए उसमें सक्सेस नहीं है। ये खाली है मतलब समझिए, यहाँ पर अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो खाली हो जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको देखिएगा पूरा गांव में, परिवार में, समाज में एक आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये सब यूनिक चीज़ होता है। हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं आप, हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, इसको फोकस करिए। बात समझे ना? तो एक बार अगर सीए बन जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे, सीएस बन जाएंगे, इतिहास रच देंगे आप परिवार में। आने वाला बच्चा लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिक चीज़ होता है ना, जो अलग चीज़ होता है, वो एक बार होता है। टॉप आदमी एक बार करता है, एक बार हम टॉप किया, आने वाला परिवार का बच्चा लोग को सोचना पड़ेगा कि टॉप करना है। सोचना पड़ेगा, उसका पहुंचने में उसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब हम लोग तो, हम लोग को कोई बोलता है, वैसे परिवार में कोई बच्चा भी होता है, कोई बच्चा को कुछ बोले तो हम लोग बोले अच्छा एक काम करिए, आप मेरा बराबर ही पढ़ लीजिए, डाई मेरा बराबर पढ़ लीजिए तो आप मेरा लेवल में आ जाइए, बात खत्म हो गया। तो बाबू एजुकेशन इज एजुकेशन, एजुकेशन ही सब कुछ है, एजुकेशन से ही सब कुछ है। और आदमी लोग बोलता है ना जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, ये बेवकूफ वाला बात है। देखिए जॉब है, क्वालिटी नहीं है। आप बताइए एक लड़का ग्रेजुएशन पढ़ रहा, उसको ठीक से लिखने नहीं आ रहा, बोलेगा जॉब नहीं, जहां कहां से जॉब मिलेगा बताइए? प्रैक्टिकल बात, आप जॉब एक बार बताइए, व्हाई शुड कंपनी हायर यू? आप जब कंपनी इंटरव्यू में जाएंगे ना, कंपनी वाला लोग पूछता है, कंपनी वाला लोग का एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, व्हाई शुड वी हायर यू? बड़ा सिंपल, आप जवाब दीजिए। हम आप लोग सभी से पूछते हैं, आप लोग कुछ बच्चे सेकंड ईयर में भी हो, फर्स्ट ईयर में भी हो, ट्वेल्थ में भी हो, आप सोचिए कोई हमको नौकरी क्यों देगा? मेरे अंदर क्या ऐसा है जो हमको नौकरी देगा? हम उसको बताएंगे कि मेरे अंदर क्या ऐसा है जो आपको नौकरी दीजिएगा? आप सीए किए रहेंगे, सीएस किए रहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग आप बताएंगे कि पहला कि हमको कॉमर्स का नॉलेज है, कॉमर्स का एक एक सब्जेक्ट का एक एक चीज का डिटेल में नॉलेज है। क्योंकि सब पढ़ाई कोई ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं है कि टच करोगे पास हो जाओगे, किताब चल बंगाल में तो किताब चलता है टच एंड पास, टच करो पास हो जाए, वैसा पढ़ाई नहीं है। डिटेल पढ़ाई करोगे तभी पास होगे भाई। बोलते ना आज तक एक लाइन सिखाते ग्रेजुएशन में, आपको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट टू सक्सेस। यहाँ बोलते नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। यहाँ पे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दो चीज बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क मतलब कौन सा नोट्स बनाना है, कैसे नोट्स बनाए, तो थोड़ा दिमाग आना रहना चाहिए। अब पढ़ते यारे ऐसे भी नहीं, ये भी ठीक नहीं, मेहनत करना होगा।
मेहनत करेंगे और आप एक चीज सोच लीजिए, अगर मेहनत कर लेंगे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जिंदगी खूबसूरत भी आपको लगेगा। कहीं भी किसी को आप भीड़ में खड़ा होइएगा, बोलेगा हम बीकॉम करें, बोले बीकॉम बोलेगा हम सीए करें, सीए बाप रे। ये शब्द अपने में बहुत बड़ा है और जो चीज करो उसका रिस्पेक्ट करना इंसान को आना चाहिए। सीए करते हैं सीए का रिस्पेक्ट करिए, बीकॉम करते हैं बीकॉम का रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट करेंगे तो होगा, बस समझ रहे ना। तो जिससे प्यार करो उसका पूजा करो तो मोहब्बत भी निखरेगा और सब कुछ आगे बढ़ेगा, वही चीज है। पढ़ाई से प्यार है तो पूजा है, बस समझ रहे ना। पढ़ाई को कभी गाली नहीं दे सकते, पढ़ाई के बारे में गंदा शब्द नहीं बोल सकते। और आपको तो हम बोलते हैं परिवार में कहीं भी जाइएगा, मम्मी बोलेगी मेरा लड़का बीकॉम कर, बीकॉम बीकॉम ओह माय गॉड बीकॉम, लड़का कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर सीए बोले तो और पगला हो गया, पूरा पारा पगला हो गया सीए। अब उसमें कुछ नेगेटिव आदमी अगर कोई है बोलेगा तुमसे होगा, सही बात यस सर, पसंद है ना। तो अब कोई आदमी उसको क्या बोलता, अगर कोई बोलता तुमसे होगा तो उसको कुछ बोला नहीं जाता। हम तो बोलते सबसे होगा, हम तो ये मानते सबसे होगा, जो मेहनत किया जो पेशेंस रखा हार्डवर्क किया उससे होगा, जो मेहनत नहीं किया पेशेंस नहीं रखा हार्डवर्क नहीं किया हड़बड़ा जाइएगा। जैसे एग्जाम दिए इतना सारा एग्जाम दीजिएगा, कभी बाय द वे मान लिया किसी में अटेम्प्ट लग गया मतलब सब फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं फिर एग्जाम देंगे 6 महीना बाद। तो हारता वही है जो लड़ता नहीं है, नहीं लड़ेंगे तो हारेंगे ही ना, लड़ना पड़ेगा जीतना होगा। एक तो स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाते थे पहले छोटा में समझे, तो बच्चा लोग का स्कूल में ना मतलब कॉलेज में पढ़ते थे तो बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाते थे होम ट्यूशन। तो एक बच्चा का कॉपी था तो उसका कॉपी में लिखा हुआ था फेलियर इज नॉट क्राइम बट नॉट ट्राइंग इज क्राइम, मतलब अगर फेल हो जाते हैं वो क्राइम नहीं है लेकिन कोशिश नहीं करना क्राइम, तो उसको ध्यान देना है। कोशिश करिए मेहनत करिए और सक्सेसफुल होइए। तो बाबू जिसका कोई टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं फिक्स पीरियड, जिसका टाइम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। लिखिए बोले अगला पॉइंट कितना नंबर बाबू, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप लिखे ना, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप टाइप्स काइंड्स एक ही चीज हो गया। इसमें लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, उसके पैराग्राफ चेंज करके ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of time period, on the basis of time period, the basis of time period, there are two types of partnership, there are two types of partnership क्या लिखा हुआ बताइए, पार्टनरशिप पॉइंट नंबर ए पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल लिखे ना, बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिख दीजिए सेक्शन 7, पार्टनरशिप एट विल के बारे में सेक्शन 7 में लिखा गया है। पॉइंट नंबर बी पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड इसका कोई सेक्शन नहीं है, नहीं इसका सेक्शन नहीं, पसंद है ना। फिर पैराग्राफ चेंज on the basis of kya likha hua bataiye, on the basis of business there are two types of partnership, कहां थे बताइए। पॉइंट नंबर ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप
पॉइंट नंबर टू जनरल पार्टनरशिप। तो देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब क्या, जो एक पर्टिकुलर काम के लिए करते हैं, और फिक्स जनरल पार्टनरशिप मतलब क्या, जो एक नॉर्मल बिजनेस के लिए करते हैं, जैसे एक एडवेंचर के लिए, एक एडवेंचर मतलब एक टास्क के लिए, जैसे हम और आकाश मिलके ब्रिज बनवा रहे मान लीजिए, तो वो ब्रिज खत्म, हम लोग का पार्टनरशिप खत्म, ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल बिजनेस मतलब नॉर्मली, जैसे नॉर्मल बिजनेस होता है। तो ये था पार्टनरशिप, यहां तक हम लोग पढ़ते हैं, फिर अगला दिन इसके आगे करेंगे। थैंक यू।